दोस्तों, क्या आप भी प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं? अगर शौकीन हैं तो देख लीजिए, ये बहुत ही आपके यूज़फुल आने वाला है। आपके घर में बहुत से ऐसे पुराने डिब्बे हैं, पुराने बॉटल्स हैं, या पुराने अचार के जो बाउल वगैरह होते हैं वो हैं, उनको फेंकने की बजाय आप ऐसे छोटे छोटे प्लांट लगा के अपने गार्डन को, अपनी बालकनी को इस तरीके से सजा सकते हैं लगाए हुए हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था गार्डनिंग करना, तब मैंने ऐसे छोटे छोटे ही प्लांटर यूज़ किए थे और उन्हीं से अपना छोटा सा गार्डन बनाया था। अब हालांकि मेरे पास बहुत से प्लांटर और प्लांट्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने गार्डन में आज भी ये छोटे छोटे डिब्बे वगैरह मैं नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि इनमें लगा के ही आप छोटा सा ही काम करके बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी प्लांट लगाए हैं वो सब कटिंग से लगाए, बहुत से कटिंग से लगाए थे, ऐसे ही छोटे छोटे प्लांटर में मैंने लगा के बड़े प्लांट में रेडी किए हैं। तो अभी आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपने गार्डनिंग, तो ऐसे ही छोटे छोटे प्लांटर डिब्बे वगैरह जो आपके किचन में या कोई आइटम, बहुत से आइटम आते रहते हैं, उनके डिब्बों को फेंकने की बजाय आप इनमें प्लांटर लगा सकते हैं। मिट्टी भी इनमें बहुत कम लगती है। आप एक बोरी खाद लेके आइए और मिट्टी भी यूज़ एक ही बोरी से आपके 100-200 प्लांट तो आपके ऐसे ही रेडी हो जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े पॉट लें तभी हम अपना शौक पूरा करें। और ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी ऐसा नहीं है, आप इंडोर ही लगा सकते हैं। जैसे चैन प्लांट है, ये भी काफ़ी ग्रो कर जाता है, एक से आप एक लगाएंगे इसमें बहुत सारे रेडी हो जाते हैं। जैसे इसकी चैन निकलती रहती है, उसमें नए नए प्लांट्स बनते रहते हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, ऐड करिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये लगाए जा सकते हैं। तो देख सकते हैं, जितने भी मेरे पुराने डिब्बे और कटोरी जो भी थे, प्लास्टिक की बाउल वगैरह जो आती हैं, उनको भी मैंने यूज़ किया है, उनको भी मैंने फेंका नहीं है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे गार्डन को बढ़ाने का मौका देती हैं। जैसे हम स्टार्टिंग जब करते हैं तो बहुत से पॉट तो नहीं ला पाते हैं, तो बस ऐसे ही छोटे छोटे किचन वेस्ट से निकाल के और अपने गार्डन को बढ़ा सकते हैं। अब कलांचों का टाइम भी आ गया है, सीज़न आ चुका है, सितंबर चल रहा है और ये अक्टूबर नवंबर में ये अच्छी सी ग्रोथ ले लेंगे और जनवरी में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बारिश में बहुत होता है कि प्लांट ये बच नहीं पाते हैं, सर्कुलेंट प्लांट है तो बचना इनका मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने इनको बारिश से बचा के रखा था, तो मेरे सारे प्लांट लगभग बच चुके हैं। तो अब मैं इनको जब ये थोड़ा अच्छे से ग्रोथ ले लेंगे तब इनकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने एक मेरे पास पुराना डिब्बा पड़ा हुआ था, तो उससे बॉक्स जो था उसको मैंने ऊपर से कट करके उसमें सिंगोनियम लगा दिया है। और ये भी ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया कितना है, छोटे से डिब्बे में कितना बड़ा ये प्लांट रेडी हुआ है। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, छोटा ही छोटा काम करके ही हम अपने गार्डन को बड़ा रूप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने करीब 5-6 साल पहले ही मैंने स्टार्ट किया था अपना गार्डन, और आज देख सकते हैं बहुत से मैंने प्लांट लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा है। ऐसे ही आइडियाज़ आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना सभी लोग ख्याल रखिएगा।